सो हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है अपना बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच का IFSC कोड किस तरह से पता करेंगे। जी हाँ गाइस, देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों तरीका आपको पसंद आएगा। तो अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और अगर आपको अपने ब्रांच का IFSC कोड मालूम नहीं है तो आप जो अपने मोबाइल फोन से IFSC कोड किस तरह से पता करेंगे। तो गाइस, पता करने के लिए सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपको अपने मोबाइल के अंदर गूगल को ओपन कर लेना है। और ये गूगल जो है सबके मोबाइल में रहता है, इसका कोई टेंशन नहीं है। तो गूगल को ओपन करने के बाद में गाइस यहाँ पे आपको सर्च करना है, IFSC कोड लिख के सर्च कर देना है। समझ गए ना, सिर्फ आपको इतना लिख के सर्च करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे ये वाला जो लिंक है आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। आप दूसरे लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं पहले ही वाले लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। हर लिंक पे क्लिक करने के बाद में एक ही तरह से ऑप्शन आएंगे, समझ गए ना। आपको यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट बैंक। आपको यहाँ पे सेलेक्ट बैंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे उसके बाद में आपका जौन सा बैंक है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्लिक करता हूँ। सेलेक्ट स्टेट पे क्लिक करना है, कहाँ के आप रहने वाले हैं। चलिए मैं बिहार का हूँ, बिहार पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आपके जिले से है, यहाँ पे मैं बांका जिले से हूँ। उसके बाद में सेलेक्ट ब्रांच पे क्लिक करना है। आपका ब्रांच क्या है, उस ब्रांच यानी कि आपका ब्रांच कहाँ पे है, तो मेरा बांका बिहार है, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। अब गाइस आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए IFSC कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है नजर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इतना अंदर नहीं आना चाहते हैं ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है कि क्या चीज सर्च करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड, मैं पहले से लिख के रखा था। यहाँ पे सर्च करना है आपको सबसे ऊपर में बैंक ऑफ बड़ौदा IFSC कोड बांका, यानी कि आपका जो भी ब्रांच है उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख देंगे। समझ गए ना, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा लिख के IFSC कोड लिख के आगे में जो भी ब्रांच है वो ब्रांच लिख के सर्च कर लेंगे। ये देखिए जैसे आप सर्च करेंगे गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में जो है आपको IFSC कोड दिख जाएगा वहां पे भी, और गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं IFSC कोड है। तो इस तरह से जो है आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अपने ब्रांच का IFSC कोड पता कर सकते हैं। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइए।